हेलो जी, क्या हाल है आप सब लोगों का? उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, इसलिए क्योंकि मैं अपने थोड़े कंट्री में गई हुई थी, तो मैंने कहा लॉकडाउन वगैरह सब खत्म हुए हैं तो जल्दी से फिर आए ज़रा अपने। काफ़ी टाइम हो गया गए नहीं थे। आपको पता है पिछले दिनों में बहुत लॉकडाउन वगैरह चल रहे थे, तो इस वजह से जा नहीं हुआ। तो अब टाइम मिला तो मैंने कहा चले फिर आए इससे पहले कि दोबारा से कोई नया मसला नया इशू शुरू हो जाए। अच्छा जी, खैर मैंने तो आप लोग को पहले बता दिया, बाकी तो बातें बाद में करते हैं कि कैसा वक्त गुजरा। आप, उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ा सा मेरा कलर डल हो गया, आपको लग ही रहा होगा, ऊपर से मैं फिर से डल हो गई हूँ क्योंकि वहाँ पे अभी देखेंगे हैं तो वेदर थोड़ा सा चेंज हो रहा था, गर्मी थोड़ी सी हो रही थी वहाँ पे, तो इस वजह से वहाँ पे तो आपको पता है कि धूप वगैरह भी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से गर्मी ज़्यादा लगने लग जाती है। तो सारा दिन फिरना ये वो किया है बंदे को, ये होता है कि आप चले गए हैं तो थोड़ा फिर ही लें, ये कि सैर भी कर लें, अपने रिश्तेदारों के घर में भी चले जाएं कि दोबारा पता नहीं कब आया जाए। ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम के बाद आया गया था तो इसलिए ना सारा दिन इधर कभी उधर बच्चों को लेके सैर करवाने कि उनको भी पता चले हमारे मुल्क के बारे में कि एक ऐसी जगह है, ताकि जाके अपने फ्रेंड्स को वो बताएं तो उन्हें पता हो कि हम लोग कहाँ पे गए थे और कौन कौन से हमारे रिश्तेदार हैं। उनसे मिलाने में बस टाइम गुजरता गया, सारा दिन तो ऐसे निकलते गए मेरे तो। बाकी आप लोग अपने कमेंट्स में बताएं कि आप लोग क्या कर रहे थे, इतने दिन कैसे गुजरे आप लोगों के, और क्या क्या किया आप लोगों ने, मुझे मिस किया कि नहीं किया। मैंने तो आप लोगों को बहुत याद किया, इवन के अपने रिलेटिव्स में अपने फ्रेंड्स वगैरह जो मेरी उधर हैं तो उनसे भी मुलाकात हुई मेरी, तो उन्हें भी मैंने वीडियोज़ दिखाई कि ये देखे जी मैं तो यूट्यूब पर वीडियोज़ डालती हूँ अपने सिस्टर के चैनल कुकिंग विद नाजनीन पे। तो बल्कि मेरी वीडियो से ज़्यादा उन्होंने मेरे फ्रेंड से ये कहना शुरू कर दिया कि 2-3 ने तो इसी चैनल से देख के ना कुकिंग भी मतलब डिशेस 2-3 बना ली। तो मैंने कहा चलो भाई मैंने तो तुम्हारा फायदा ही कर दिया, बाकी इधर तो मेरे से कहती यहाँ तो बहुत ज़्यादा ईजी दिखाया रहे हैं, और ये है कि मतलब टाइम कम टाइम में बन जाती है। हम चैनल कोई खोलते हैं हम तो उसमें ये है कि मेरी एक रिक्वेस्ट में मेरे फ्रेंड ने कहा था कि तुम जब वीडियो बनाओगी तो उसमें ये बात ज़रूर कर देना कि आमतौर पर जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बन रही हैं बहुत सारी वीडियोस होती हैं, उसमें पता नहीं क्या क्या सिखा रहे होते हैं, ऐसे भी ये भी डाल दें, वो भी डाल दें, ये भी डाल दें, ऐसे ये भी डलेगा अंदर, ये मसाला भी डलेगा, तो वो लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना लेना, मतलब इतने ज़्यादा मसाले वगैरह कहाँ से लाएंगे। तो नॉर्मल जो घर में होते हैं उसी को आपको ना करना चाहिए कि उसी में लोग बना सकें, तो लोग ये देख लेते हैं रेसिपीज लेकिन मोस्टली ट्राई नहीं करते क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमने कैसे बनानी है, तो इतने डिफिकल्ट हैं तो ये है वो, ऐसे नहीं होता है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट थी कि जो भी के चैनल हैं कि वो सिंपल रेसिपी थोड़ी सी कर दिया करें कि लोगों को आसानी हो जाए घर में बनानी, जो इन्होंने ये जो आप दिखा रहे हैं अगर ये बनाते तो प्रोफेशन जो है वो ही बनाएंगे ना, कि जिन्होंने कोई काम है जो रोज़ाना नई नई रेसिपीज ट्राई करते हैं या जिन्होंने बना के देनी है या चैनल हैं जिनके, तो वो तो सिंपल ही देखे ना, अब घर में सब रह रहे हैं तो वो तो थोड़ा सिंपल ही ट्राई करेंगे। अच्छा जी, तो आगे अब मैंने क्योंकि कितने दिन हो गए थे मैंने तो कोई वीडियोस किसी की भी अपने ये है कि क्या कहते हैं जोकर्स जो हैं हमारे उनकी किसी की वीडियो तो मैंने देखी नहीं थी, वो इसलिए टाइम ही नहीं था मेरे पास, बिल्कुल ही नहीं था, इवन कि मेरे माइंड में भी वो लोग नहीं रहे। आते तो फिर मैं कभी चला ही लेती उनकी वीडियो, अपनी मेरी वीडियो दी है मेरे माइंड में तो मैंने वहाँ जाके वो चला ली थी, लेकिन इन लोगों की वीडियोज़ नहीं आई मेरे माइंड में तो मैंने नहीं चलाई। अच्छा जी, जब अब मैं इधर आई हूँ तो कल रात थोड़ा सा मैं फ्री, कल रात ही हुई थी थोड़ा सा नींद वगैरह पूरी की, तो फिर मैंने ना सुबह से हुई कि यहाँ पे ये किनकी आती रहती है निकलती रहती हैं वीडियोस, क्योंकि मैं चलाती रहती तो वो नीचे आते खुद ही आ जाती हैं, तो बस ये नहीं चला ली, फिर मेरे माइंड में कहा ओ मैं तो देखी नहीं थी। अच्छा जी, जब उसने वीडियो चलाई इसमें मैंने देखा कि जो अलीवीर है गिटू, गिटू ही है ना या टुगनू क्या है नाम उसका, वो अपने नए घर में शिफ्ट हो गया, मतलब नया घर नहीं है, मुझे तो समझ नहीं आ रही उसका नया घर है कि उसका पहला घर था वो, कि उस घर में ही वो साइड पे रह रहा था, मुझे तो इनकी बिल्कुल समझ नहीं आ रही, मतलब इतना खपाने वाला इनका सीन चल रहा है ना के बस। अच्छा जी, वो जिस घर में शिफ्ट हो गए हैं नए घर में, उन्होंने उसका पीजी को लेके दिया हमने नया फर्नीचर, मिस बुलड़ी बज, मिस बुलड़ी सॉरी क्या बज फियाज ने जी अपी ने सिलेक्ट कर लिया है नया फर्नीचर, पता नहीं क्या जाके फर्नीचर वाली दुकान पे ढेर होके वो बैठ गई है। ब्लूनी, मिस ब्लूनी है जो आपको पता ही, मिस ब्लूनी कौन है, हमारा मिस ब्लूनी है, तो ब्लून की तरह वो भूली हुई थी, बड़ा सा उसका मुंह है, तो जाके वो फर्नीचर वाली दुकान पे बैठ गई चढ़ के, तो किसी ने सिलेक्ट वगैरह कर ली है। अब देखें जी वो ले आई होगी या नहीं ले आई होगी, ले ही आई होगी, अब सिलेक्ट किया या वीडियो बनाने के लिए सिर्फ वो गए थे। अच्छा जी, अगली बात ये है कि नेक्स्ट में क्या बात कर रही थी।
अच्छा जी, तो जी उन्होंने नए घर में अपनी शिफ्टिंग कर ली। अब नए घर में शिफ्टिंग करने के बाद उन्होंने अगला काम क्या किया? अगला उन्होंने काम उन्होंने किया है कि उन्होंने वहाँ पे काफ़ी सारे गेस्ट को बुलाया है, और गेस्ट को बुला के उन्होंने वहाँ पे एक पतला सा शोरबा बनाया है। और पतला सा शोरबा उन्होंने इस तरह से बनाया है, कोई इतना पतलू सा शोरबू है कि वो पतला सा शोरबा वहाँ से लेके, लिया से लेके ना, ये कौन सी कंट्री में, शहर में रहती हैं, लाहौर तक, मुझे लाहौर का नाम से याद है ना, तो गाने वगैरह में भी हमारे आता लग दे लाहौर दिया। हाँ, तो वो लाहौर तक आ रहा था डुड़ डुड़ के, तो इतना पतला शोरबा था। और बात ये नहीं है कि इतना पतला शोरबा आपने बना लिया, ठीक है, मुझे एक बार समझ नहीं आई है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये, वो लोगों को घर बैठ के बाहर बिठा के खाना खिलाने का क्या मकसद था? मतलब गेस्ट जो आते हैं उनको तो आप अपने घर में बिठाते हैं, घर में बिठा के खाना खिलाते हैं, ये कौन सा तरीका हुआ कि वो घर से बाहर खड़े हो, मतलब बैठ के खाना खा रहे हैं? और सब मेन चीज़ ये है कि जो हमारी बाजी बुलड़ी है, बाजी बुलड़ी नहीं है, वो बाजी फियाज है, जो हमारी बाजी फियाज है, वो इस चीज़ में इतना ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है कि मैं आपको क्या बताऊं, कि इतनी ज्यादा आगे आगे वो हुई हुई है बाजी फियाज। तो मतलब इस जैसे महफिल ही थी, मैंने मिला था क्या था, चले खैर जो भी था, कि उसमें इतना ज्यादा हिस्सा वो ले रही थी। और उनके फर्नीचर में जैसे पता नहीं इतना बुरा लगता है, वैसे एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि भैना दे घर पाई कुत्ता, तो ऐसे हरकतें नहीं करनी चाहिए, घुसना नहीं चाहिए बार बार उनके घर में। मुझे तो ना जब मैंने उनकी वीडियो देखी, मुझे एकदम से ऐसे हो, मैंने कहा हाय फिर कोई कट्टा मर गया लगता है इनका, क्योंकि जब भी कोई इनके घर इवेंट होता है उससे पहले कट्टा मार देते हैं। मतलब वो कट्टे को मार के ही, उस बेचारे की बलि लेके ही इन्होंने कुर्बान करके उसे खाना वगैरह तैयार करना होता है। मेरे ख्याल से कोई चिकन तैयार किया, मैंने पूरी वीडियो नहीं उनकी देखी, लेकिन जितना मुझे नजर आ रहा था मुझे लगता है वो चिकन के ही पीसेस थे। तो मुझे लगता है कोई कट्टा बच गया है, उसकी जान बच गई, लेकिन एक दो मुर्गियां जरूर जान से गई हैं। अच्छा जी, तो अगली बात ये कि पहले तो इनकी बाजी वगैरह इनसे मिलती नहीं थी, इनकी अम्मा जी, अम्मी अम्मा जो भी थी वटैवर, वो इनसे मिलती नहीं थी। अब जब से ये कि कुछ गलत गलत औरतों ने काफ़ी ज़्यादा इसमें टांग हाथ पाँव उड़ाए, बल्कि पूरी पूरी अड़ गई जाके, तो जब से वो अड़ी हैं अभी एक हो गई इनकी सुलह। अब इनकी हर वीडियो में वो आ रही हैं, कोई उनके लिए गिफ्ट लिए जा रहे हैं, तो कभी कुछ लिया जा रहा है। अब ये तो चले ठीक है, घर का मैटर है, आखिर लड़ाई होती है तो सुलह भी होनी है। वो कहते हैं ना पानी में तो सोटा मारने से पानी अलग अलग नहीं हो जाता है, बहना वो एक जगह ही है तो इकट्ठा होना ही है। अच्छा, तो अभी ये कि वो रोजाना आ रही हैं, रोजाना आके शॉपिंग भी कर रही हैं, ये है वो है। अब मुझे एक बात और, ये जो बिल बतौड़ी है, जो बुलड़ी है, तो ये बुलड़ी है जो उसने अपने ना एक ही काम पकड़ लिया, उसके पास यकीन करे एक ही दुपट्टा रह गया, उसके अलावा उसके पास कोई दुपट्टा नहीं है। मतलब वो दुपट्टा वो ही यूज करी जा रही है हर वीडियो। मतलब मैंने उसको इतना ज्यादा भी इस बात पे क्रिटिसाइज किया था कि बहन जी ये दुपट्टा लेना छोड़ दो, दुपट्टा लेना छोड़ दो, हम लोग को हीव्स हो गया, बल्कि मेरे तो ख्वाब में एक औरत आती है उसने भी दुपट्टा लिया होता है, वो नहीं छोड़ती, वो डब्बिया से बनी हुई है ब्लू से कलर की। अच्छा, अब इन्होंने नया काम ये शुरू किया है, पहली बात ये कि फुल कोशिश करते हैं कि थंबनेल में हर किसी का बूथड़ा आ जाए, जिस किसी का थोबड़ा नहीं आ सकता ना थंबनेल में, अलग से उसका थोबड़ा काटेंगे और काट कूट के उसकी थंबनेल में जोड़ते जाएंगे, यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ उसका बूथड़ा जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे? कि हमें पता चल जाए भाई हमारी वीडियो है, किसी और की वीडियो नहीं है ये। अच्छा जी, इन लोगों की जिंदगी आगे शुरू हो गई है, घर में भी प्रवेश कर लिया है उन्होंने अपने, अपना फर्नीचर भी तैयार करा लिया है, आगे जैसे उनके घर में जो भी उनकी सेलिब्रेशन थी उन्होंने वो भी कर ली है, सब उन्होंने कर लिया है। बाकी अभी ये बात रही है गंदे गंदे छोटे छोटे कीड़े कीटाणुओं की, जो कीटाणु उनके बहुत ज्यादा पीछे पड़े हुए थे इतने टाइम से, ये सुलह क्यों नहीं हो रही, ये सुलह हो जानी चाहिए, अली वीर ने भाजो को क्या कहा, ये सब क्या हो गया, मुझे तो इस चीज की समझ नहीं आ रही, इनको तो सुलह कर लेनी चाहिए। तो खैर वो तो बात सारी होगी खत्म, अब कोई फायदा नहीं है कि मतलब उसने अपनी कहते ना सो सुनार की एक लोहार की, अली वीर ने तो ठप पटाखा मार दिया जी एक बार में, उसने ऐसे ही आग लगा दी कि जैसे लगने का हक था, ठीक है सारी आग उग लग गई, सारा टॉपिक हो गया खत्म। अच्छा, आगे जिंदगी गुजर गई है, देखिए मैं भी अपनी कंट्री से फिर के आ गई वापिस, लेकिन आके भी मुझे वही चीज देखने को मिली है, उनका वही मजा जा रहा है। अब तुम्हें धमकियां कौन देगा अली वीर, अली वीर अब तुम्हारा क्या होगा, अली वीर अब कैसे बचेगा, अब ये नहीं हो सकता, पता नहीं क्या उनकी, अच्छा उनकी जिंदगी वही पड़ गई है, वो उनका ना आगे टॉपिक चल रहा है ना कुछ हो रहा है। खैर उनका जैसे टॉपिक चलेगा आगे तो आपको जरूर अपडेट करेंगे, फिलहाल आप लोग मुझे दीजिए इजाजत ताकि आपसे अगली मुलाकात में नई और मजे की चीजें ला सकूं और आपको बता सकूं। फिलहाल के लिए बाय।